त्याशिवाय प्रेस कम्प्लीट होत नाही. ईश्वरने प्रश्न विचारला नाही त्यामुळे प्रेस कम्प्लीट होऊ शकत नाही. एक मिनिट प्रीती बघा तू फोनवर फोनवर मामला पूरा उजागर हुआ है. क्या है इसका पीछे पूरी जानकारी. विष्णुनगर पुलिस स्टेशन के अंदर 2007 में एक मर्डर का गुना दाखिल हुआ था. उसमें अंदर चार आरोपी थे और चारों भी आरोपी फरार है अभी भी. उसके लिए बीच में अपन ने एक ड्राइव निकाला था कि जो भी फरार आरोपी है और जो भी पैरोल पे आरोपी जो बाहर है अभी तक अंदर गए नहीं या जो आरोपी अभी भी फरार है जिस गुने के अंदर उसका अपन ने पूरा एनालिसिस किया था. उसके अंदर अपन ने बीच में पैरोल में के काफी आरोपियों को अपन ने अरेस्ट किया था और फिर से उनको जेल में भेजा था. उसी चलते अपने को इन्फॉर्मेशन मिला था कि भिंड में ये मर्डर का आरोपी छुपा हुआ है. तो अपन ने अपनी टीम भोसले साहब के मार्गदर्शन के नीचे हमारे यूनिट वन के ठाकरे साहब है और उनके साथ में जो उसमें सही काम किया वो हमारे भिलारी कांस्टेबल है जिन्होंने काफी मेहनत इसके अंदर लिया. तो वहां पे अपन 15 दिन अपनी टीम भिंड में थी और वो आरोपी को अपन ने वेरीफाई किया. उसके बाद अपन ने उसको हिरासत में लिया और अभी अपने ताबे में है. ये 2007 का मामला है. उसमें टोटल 4 आरोपी थे. अपन ने अभी आज एक आरोपी को इसमें अपन ने हिरासत में लिया है. पकड़ा गया आरोपी इसका नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? ये राजकुमार राजावत उसका नाम है. अभी कैसे कि अपन ने उसको 2007 का क्राइम है तो अपना इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है. अभी आज ही अपन ने उसको अपनी हिरासत में लिया है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या काम करता था, 12 साल वो कहाँ पे रुका था, ये उसकी पूरी जानकारी अपन निकालेंगे. सर, चंबल घाटी एक डाकुओं का अड्डा होता है, बहुत बड़ा फेमस है चंबल घाटी. क्या ये डाकुओं के संपर्क में था, क्या और बड़ी गैंग हो सकती है? नहीं, अपना वही तो मैं बता रहा हूँ कि अपना इन्वेस्टिगेशन अभी चालू होगा. इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने को पता चलेगा कि ये किसकी किसके संपर्क में आया था 12 साल के अंदर. उसका पूरा अपन निकालेंगे इन्फॉर्मेशन और उसके तहत अपन जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हो करेंगे. क्या हत्या किस लिए किया? नहीं, उसका भी अपन ढूंढेंगे. लेकिन जो अपने उनके कुछ गैंग के लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे. लेकिन ये आरोपी के तरफ से ये लोग खंडनी के तौर पे इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाते थे. ये भी एक मामला अपने सामने आया है तो अपन उसके ऊपर भी अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई वो करेंगे. सर, इसमें जो चारों आरोपी क्या मध्य प्रदेश की हैं क्या, अलग अलग राज्य की? अभी अपने को ये तो अभी जो अपने पास प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये मध्य प्रदेश के हैं. लेकिन अभी अपने को एक आरोपी अपने हिरासत में लिया है तो अपन उसको पूछेंगे कि बाकी लोग कहाँ पर है, इसके संपर्क में है क्या नहीं है, ये अपना डिटेल इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद अपने को पता चलेगा. क्या क्या कलम लगा है, कितने दिन की हिरासत मिली है? अरे अभी तो आज उसको अपन कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे. अपन पीसी की रिमांड करेंगे. अभी कोर्ट कितने दिन पीसी देता है ये आज शाम तक तय हो जाएगा. कौन कौन सी नौकरी का पाएगा? अभी 2007 का ये गुना था. 2007 के अंदर क्या ये आरोपी है, इसलिए उसका डिटेल में अपने को जाना पड़ेगा. तो अपना इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है.